हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक देखेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मिनिमम टाइम में मैं ये टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे स्पेस में रखने पर वो जगह घेरती हो और जिसका कुछ मास हो, ऐसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं। मैटर को फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए एक एक करके इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने मैटर को उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। तो आप दिमाग में आया होगा कि फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो फिजिकल स्टेट का मतलब मैटर जिस पार्टिकल से बना हुआ है, उन पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है और उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है। तो इसके बेसिस पे मैटर के तीन टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हाँ, ये बात याद रखेंगे कि ये जो मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ है ये ऑर्डिनरी कंडीशन में हुआ है। अब ये डायग्राम देखिए, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। अब ये नीचे ये जो बार है वो देखिए, सबसे लो टेम्परेचर पर हमारा है सॉलिड, मीडियम टेम्परेचर पर है हमारा लिक्विड और सबसे हाइएस्ट टेम्परेचर पर है हमारा गैस। अब देखिए, मैंने मैटर को थोड़ा सा जूम किया हुआ है तो सॉलिड में देखिए, हमारा ये जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस में है, हमारे गैस में है। ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस आया हुआ है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ये इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के डिफरेंस की वजह से है। सबसे ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में है, इसीलिए उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब बहुत नज़दीक में हैं, आपस में सटे हुए हैं। उससे थोड़ा सा कम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है लिक्विड में, इसीलिए देखें उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। और सबसे कम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है गैस में, इसीलिए देखिए इनके पूरे मॉलिक्यूल्स आपस में बिखरे हुए हैं। तो चलिए अब सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसका फिक्स वॉल्यूम हो और फिक्स शेप हो, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है सॉलिड। एग्जाम्पल के तौर पे सुगर, आयरन, गोल्ड, वुड एक्सेट्रा। अब आगे देखते हैं लिक्विड क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस जिसका फिक्स वॉल्यूम तो हो बट फिक्स शेप ना हो, मतलब कि आप इसे जिस तरीके के भी वेसल में डालेंगे ये उस वेसल का शेप ले लेगा बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है लिक्विड के, वाटर, मिल्क, ऑयल, मर्क्यूरी, अल्कोहल एक्सेट्रा। अब लास्ट देखते हैं गैस। ऐसा सब्सटेंस जिसका ना फिक्स वॉल्यूम हो ना फिक्स शेप हो, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है गैस, मतलब आप इसे जिस तरीके के वेसल में डालेंगे ये उस पूरे वेसल को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब उस पूरे वेसल में फैल जाएगा। तो ना इसका शेप हुआ ना इसका कोई फिक्स वॉल्यूम है, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है गैस। एग्जाम्पल क्या है गैसेस के, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेट्रा। तो इसी के साथ हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।